दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 150-160 सीसी बाइक्स के बारे में जो कि 2023 में आती हैं। सो यहाँ पर इंडियन मार्केट में जितनी भी अभी 2023 में आ रही हैं बेस्ट 150-160 सीसी बाइक्स, उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, जो कि आप लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बाइक लेनी चाहिए उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग 2023 में एक ऐसी बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसको कि आप लोग फैमिली पर्पस के लिए यूज में भी ले सकते हैं, साथ ही साथ गाड़ी का जो है लो मेंटेनेंस हो एंड इसी के साथ जो है गाड़ी को आप लोग डेली कम्यूटिंग वगैरह के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ कि आपके पास किस किस बाइक का ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोग के पास होंडा कंपनी का यूनिकॉर्न है। सेकेंड जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग के पास बजाज पल्सर 150 है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों वो बजाज कंपनी की जो नई आई है बजाज पल्सर P150। वो तीन बाइक का जो है आप लोग के पास ऑप्शन है अगर आप लोग जो यहाँ पर बेस्ट फैमिली पर्पस वाली गाड़ी देख रहे हैं जिसको कि आप लोग डेली कम्यूटिंग वगैरह भी कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न की। इस गाड़ी की मैं सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो लगभग जो आप लोग को इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 1,28,600 रुपए देखने को मिलने वाली है 2023 में। बाकी इस गाड़ी की थोड़े बहुत मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बता दूं तो इस गाड़ी पर आप लोग को ज़्यादा कुछ फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप लोग को इस गाड़ी पर जो है हेलोजन का हेडलैम्प दिया गया है। गाड़ी पर जो है आप लोग को साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर दिया गया है। एनालॉग का मीटर कंसोल आता है गाड़ी पर एंड इसी के साथ इस गाड़ी पर जो है आप लोग को सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं बजाज पल्सर P150 की। आप लोग यहाँ पर बजाज पल्सर 150 को भी ले सकते हैं जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो बजाज पल्सर 150 आती है उसको भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बजाज पल्सर P150 की। इस गाड़ी की सबसे पहले मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो 2023 में जो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,42,755 देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इस P150 की मैं आप लोगों को थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में बताऊं तो इस गाड़ी पर जो है आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप दिया जा रहा है, साथ ही साथ गाड़ी पर जो है आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ गाड़ी पर जो है आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है एंड इस गाड़ी के मीटर में आप लोग को जो है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है दोस्तों ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आती है। गाड़ी पर आप लोग को मोनो सस्पेंशन भी देखने को मिलते हैं और इस गाड़ी पर जो है आप लोग को सिंगल चैनल ABS भी दिया गया है। सो आप लोग दोस्तों अगर आप लोग फैमिली पर्पज़ के लिए गाड़ी देख रहे हैं साथ ही साथ आप लोग डेली कम्यूटिंग के लिए भी यूज में ले सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप लोग के पास तीन ऑप्शन है जो कि मैंने तो आप लोग को बताया दिया, जो कि आप लोग के पास जो है होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न है। सेकंड जो ऑप्शन है वो दोस्तों आप लोग के पास बजाज पल्सर 150 है एंड साथ ही साथ अगर आप लोग बजाज पल्सर P150 को भी लेना चाहते हैं तो आप लोग बजाज पल्सर P150 को भी ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग को फैमिली पर्पस के साथ साथ थोड़े बहुत फीचर्स वाली गाड़ी भी चाहिए जिस पर कि आप लोग जो है फैमिली पर्पस के लिए भी यूज में ले सकते हैं, गाड़ी को डेली कम्यूटिंग के लिए भी यूज में ले सकते हैं, साथ ही साथ गाड़ी पर जो आप लोग को अमेजिंग ढेरों सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास यामाहा कंपनी की FGS V3 है। इसकी सबसे पहले मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो लगभग जो आप लोग को इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 2023 में 1,46,000 जो है 355 रुपए पड़ने वाला है। बाकी अगर आप लोग दोस्तों यहां पर यामाहा कंपनी की FGS नहीं लेना चाहते हैं तो इसके अलावा आप लोग यामाहा कंपनी की FGX को भी ले सकते हैं और यामाहा कंपनी की जो ये जो FGX है इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 2023 में वो लगभग आप लोग को 1,57,665 रुपए देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर मैं आप लोग को FGS और FGX के थोड़े बहुत मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बता दूं क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों पर जो आप लोग को लगभग सिमिलर ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों पर जो आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है जिस पर कि आप लोग को ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मीटर है दोस्तों इन दोनों गाड़ियों पर जो है आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है एंड ब्लूटूथ से इन दोनों गाड़ियों को कनेक्ट आप लोग कर पाएंगे एंड कनेक्ट करने के बाद जो है और भी काफी सारे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों ही गाड़ियों पर जो आप लोग को साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर दिया गया है, गाड़ी पर जो है मोनो सस्पेंशन आते हैं, इसी के साथ ये जो गाड़ी है ये डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS के साथ आती है एंड यहीं पर हेडलैम्प के बारे में बता दूं तो FGS में जो है दोस्तों आप लोग को नॉर्मल LED का हेडलैम्प देखने को मिलता है और FGX में जो है आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिया गया है। सो आप लोग यहां पर यामाहा कंपनी की FGS V3 या फिर यामाहा कंपनी की FGX को भी ले सकते हैं, इन दोनों में से आप लोग को एक गाड़ी को ले सकते हैं जो कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये दोनों गाड़ी जो है अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। बाकी यहां पर अगर आप लोग को फैमिली पर्पस के साथ साथ और ज्यादा फीचर्स वाली बाइक चाहिए तो आप लोग यहां पर TVS कंपनी की TVS अपाचे RTR 160 की और जा सकते हैं। सो यहाँ पर इस TVS अपाचे RTR 160 की अगर मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो इसकी जो टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस आती है दोस्तों वह लगभग 1,51,074 रुपए आती है। इसकी जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मॉडल वाली की जो है ऑन रोड प्राइस आती है जो कि 1,51,074 रुपए इसकी जो है 2023 में भी ऑन रोड प्राइस आ रही है। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी के मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बताऊँ
तो इस गाड़ी पर जो आप लोग को ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस गाड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिस पर कि आप लोग को ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगे ही। साथ ही साथ ये जो मीटर है दोस्तों, इस पर जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है। एंड इतना ही नहीं, इस मीटर कंसोल पर जो आप लोग को टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। और यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस गाड़ी पर जो आप लोग को फर्स्ट इन द सेगमेंट राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी पर आप लोग को 3 राइडिंग मोड भी दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मैं आप लोग को बता दूं हेडलैम्प के बारे में, तो इस गाड़ी पर जो आप लोग को एलईडी का हेडलैम्प दिया गया है। साथ ही साथ गाड़ी पर जो आप लोग को एलईडी का टेल लैम्प भी दिया गया है। और ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है। एंड इसके साथ गाड़ी पर जो है आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप लोग को इस टीवीएस अपाची आरटीआर 160 में जो है ढेरों सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग 2023 में एक ऐसी बाइक देख रहे हैं जिसको कि आप लोग फैमिली पर्पस के लिए यूज में भी ले सकते हैं, एंड गाड़ी पर जो आप लोग को ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिले, तो आप लोग यहां पर दोस्तों यामा कंपनी की FGS V3 को ले सकते हैं, या फिर आप लोग यामा कंपनी FGX को भी ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप लोग टीवीएस कंपनी की टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग को यहां पर एक स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आप लोग किस किस गाड़ी की ओर जा सकते हैं। सो अगर आप लोग को एक स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आप लोग दोस्तों यहां पर बजाज कंपनी की बजाज पल्सर NS160 की ओर जा सकते हैं। ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी गाड़ी है। साथ ही साथ ये जो बजाज पल्सर NS160 है, इस पर जो आप लोग को पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में दोस्तों आप लोग को ये बजाज पल्सर NS में जो पेरीमीटर फ्रेम दिया गया है, ये आप लोग को किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलती है। यानी कि कहा जाए तो सेगमेंट में जो है ये पहली गाड़ी है जिस पर कि आप लोग को पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इस NS के प्राइसिंग के बारे में बता दूं, तो इस NS160 का जो 2023 में ऑन रोड प्राइसिंग आ रहा है वह लगभग जो है 1,48,966 रुपये का आ रहा है। साथ ही साथ इस NS पे आप लोग को ज़्यादा कुछ फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप लोग को गाड़ी पर जो है हेलोजन का हेडलैम्प दिया गया है। साथ ही साथ गाड़ी पर जो है आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है। एंड ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ भी आता है। साथ ही साथ गाड़ी पर जो आप लोग को डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोग को जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पोर्टी बाइक चाहिए जिस पर कि आप लोग को अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिले, तो आप लोग यहाँ पर बजाज पल्सर NS160 की ओर जा सकते हैं। एंड यहीं पर दोस्तों आप लोग को थोड़े से और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए इससे, तो आप लोग यहाँ पर बजाज पल्सर N160 को भी ले सकते हैं। सो इस बजाज पल्सर N160 में जो है आप लोग को NS के मुकाबले ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग को इस N160 पर जो है प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप दिया जाएगा। इसी के साथ इस पर भी आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा। एंड इस गाड़ी के मीटर कंसोल में आप लोग को ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो N160 है दोस्तों, ये पूरे 160cc सेगमेंट में एक लौती गाड़ी है जिस पर कि आप लोग को डुअल डिस्प्ले विद डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। सो ये पहली गाड़ी है जो कि 160cc सेगमेंट में जो है डुअल चैनल ABS के साथ आती है। बाकी इस N160 की मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूं, तो लगभग जो है 1,52,104 रुपए जो है अभी इसकी 2023 में प्राइसिंग चल रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग को यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पोर्टी के साथ साथ सबसे ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ी लेनी है 160cc सेगमेंट में, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों वन एंड ओनली TVS कंपनी की TVS अपाचे RTR 164V का ऑप्शन है, क्योंकि इस गाड़ी पर जो है दोस्तों आप लोग को 160cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स तो देखने को मिलते ही है। साथ ही साथ ये जो TVS अपाचे 164V है, इस पर दोस्तों आप लोग को सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन दिया गया है, जो कि 160cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन आप लोग को इसी TVS अपाचे 164V में दिया गया है। अब इस अपाचे 164V के सबसे पहले मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइस के बारे में बता दूं, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वह लगभग आप लोग को 1,55,133 रुपए की देखने को मिलने वाली है 2023 में। बाकी इस गाड़ी के सबसे पहले मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बताऊं, तो इस गाड़ी पर जो है आप लोग को फुल्ली LED हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है, जो कि आप लोग को LED का DRL के साथ साथ LED का लाइट दिया गया है। एंड इसी के साथ गाड़ी पर जो है आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिस पर कि आप लोग को ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है। एंड गाड़ी पर जो है आप लोग को टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को इस TVS अपाचे पर जो है राइडिंग मोड भी दिए गए हैं। एंड इस अपाचे पर जो है दोस्तों आप लोग को जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है। एंड इस गाड़ी पर जो है आप लोग को डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। बाकी इस अपाचे पर आप लोग को सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन तो दिया ही गया है 160cc सेगमेंट में। सो अगर आप लोग को दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा स्पोर्टी एंड सबसे ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए, तो आप लोग दोस्तों यहां पर 3 गाड़ी की ओर जा सकते हैं, जो कि आप लोग बजाज पल्सर NS160 की ओर जा सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपके पास बजाज पल्सर N160 की है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, वो आप लोग के पास TVS कंपनी की TVS अपाचे RTR 164V की है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग को एक बेस्ट लुकिंग बाइक चाहिए 160cc सेगमेंट में,
जिसका कि रोड प्रेजेंस वगैरह आप लोग को बेहतरीन देखने को मिले। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 160 की ओर जा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर होंडा कंपनी की एक्सब्लेड की ओर जा सकते हैं। सो इन दोनों ही गाड़ियों पर जो है आप लोग को बेहतरीन लुक दिया गया है कंपनी की ओर से, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों का जो हेडलैम्प है दोस्तों वो आप लोग को रोबोटिक फेस में दिया गया है, जिससे कि देखने में गाड़ी काफी ज्यादा एट्रैक्टिव लग रही है। और इसी के साथ ये जो दोनों गाड़ियां हैं यानी कि हीरो एक्सट्रीम 160R और होंडा कंपनी की एक्सब्लेड 160, इन दोनों ही गाड़ियों का अगर आप लोग फ्यूल टैंक को देखें तो वो भी काफी ज्यादा मस्कुलर है। सो यहाँ पर अगर आप लोग को जो है बेस्ट लुकिंग बाइक चाहिए जिसका कि रोड प्रेजेंस आप लोग को बेहतरीन देखने को मिले, तो आप लोग यहाँ पर हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 160R की ओर जा सकते हैं एंड होंडा कंपनी की एक्सब्लेड की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बता दूँ तो एक्सट्रीम 160R का जो 2023 में ऑन रोड प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,48,537 रुपये देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोग को मैं होंडा एक्सब्लेड 160 के प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो लगभग आप लोग को 1,46,707 रुपये देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने देख लिया बेस्ट 150/160cc बाइक्स को, जो कि मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि आप लोग को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी गाड़ी को लेनी चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो यहाँ पर मैंने इसके बारे में भी बता दिया। बाकी अगर आप लोग का कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके बारे में भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।